अस्सलाम वालेकुम। आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने आधे लीटर ये दही ली है और उसको हमने ये ब्लेंडर से चला लिया है। उसमें हम डाल रहे हैं ये 2 कप, 2 कप बेसन डालने हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं 2 चम्मच और इसमें 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक लिया, वो मिर्च ली है लाल, धनिया और नमक, बाकी चीज़ें और हम बाद में डालेंगे। अभी इस फिलहाल इसको बॉयल में इतना ही डाल दें। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े इसमें। इसको हम ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी एक गाढ़ा घोल है ये, तो अभी इसमें इसको हम पलटते हैं और इसमें फिर इतना ही पानी मिक्स करते हैं। ये कम से कम इसको बनने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जितनी कढ़ी ज़्यादा तक देर तक पकेगी उतना ही उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उनका पतीला लिया है ताकि इसमें फुलके बनेगी ये तो ज़्यादा इसमें उबाल आएंगे तो उसमें परेशानी नहीं होगी। हम इसमें अब इतना ही पानी डालते हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। देखिए इसकी ये इतनी पतली होनी चाहिए। अब इसको हम गैस पे रहना है वरना तो दही फट जाएगी। जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए इसको चलाते रहना है। जैसे अगर ऐसे हाथ रोक दिया, लेकिन जैसे ही इसमें गर्माई आनी शुरू हो जाएगी, हमने गैस को ऑन कर दिया तो इसको मुसलसल चलाते जाना है एक बॉयल आने तक। देखिए दूसरी तरफ हम पकौड़ों के लिए घोल तैयार कर रहे हैं। ये हमने 1 कप लिया है बेसन, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ी अजवाइन डाली है, थोड़ी सी कलौंजी डाली है। कलौंजी खाना सुन्नत है, हर चीज़ में कलौंजी डाला करिए, खाने में, आटे में, हर चीज़ में। क्योंकि बच्चे तो कलौंजी खाते नहीं हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बच्चों के पेट में कलौंजी पहुंचनी चाहिए। अब एक तरफ हमारी देखिए कढ़ी बॉयल हो रही है, चलिए हम लोग अब पकौड़े बनाते हैं। कढ़ी के लिए हमने तेल को रख दिया है, तेल भी हमारा गर्म हो गया है और ये मिक्सचर हमने आपको बना के दिखाया था, लेकिन इसमें 1 प्याज और हरा धनिया ये हमने इसमें बाद में डाला है। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, उससे थोड़ा एक अच्छा फ्लेवर आता है और एक क्रंची हो जाती है पकौड़े भी। तो इसमें मैंने 1 प्याज डाली है बारीक बारीक और मैंने धनिया और पुदीना भी थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है। हल्की आँच पर देखिए, हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्की आँच पर इनको कुक किया है बहुत ही अच्छे से। देखिए कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, चूल्हे को हमने बंद कर दिया है और इसकी देखिए इस तरह से इतनी हमको रखनी है कि चावलों से खानी है। इसमें हमने देखिए दही खट्टी होती है तो अलग टेस्ट आता है, लेकिन हमारी दही खट्टी नहीं थी तो हम उसमें डाल रहे हैं चाट मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन आपकी दही थोड़ी सी खट्टी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो दही खट्टी नहीं है तो थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि कढ़ी ना थोड़ी खट्टी सी ही अच्छी लगती है। कढ़ी ऐसे नहीं अच्छी लगती, फिर मीठी मीठी सी कढ़ी खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। और ये हमने धनिया और पुदीना है थोड़ा सा, ये हमने काट के रखा था, ये भी हम इसमें डाले दे रहे हैं। और हम ये पकौड़े जो बना रखे हैं ये पकौड़े भी इसमें डाले दे रहे हैं ताकि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे इतने। ये हमारे बघार का सामान रेडी है। इसके लिए हमने 8 से 10 कलियां ली थी लहसुन की, इनको बारीक बारीक काट लिया है। 1 छोटी प्याज ली थी, ये 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, इसको पतला पतला जुलियन इस तरह से काट लिया है। ये आधी चम्मच हींग ली है, 1/2 चम्मच ये धनिया लिया है, 1 चम्मच ये जीरा है, 1/2 चम्मच ये अजवाइन है, 1/2 चम्मच सरसों है और 1/2 चम्मच ये कलौंजी है और 4 से 5 ये हमने लाल मिर्च ली है। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए हमारा लहसुन और ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन की तरफ जा रहा है, तो हम
बाकी चीजें भी डाल देते हैं, हींग भी डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें अपना तड़का डाल रहे हैं, जबरदस्त खुशबू आ रही है लहसुन की और मिले जुले मसालों की, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए जी हमारी अब गर्मा गर्म कढ़ी, हमारे कढ़ी चावल बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा। जो भी बेल आइकन को दबाएगा सबसे पहले उसको मेरी वीडियो पहुँचेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।